आज का दिन बड़ा पावन है, प्रभु पार्श्वनाथ का आज निर्वाण कल्याण। ऐसे पार्श्वनाथ परमात्मा जो तीनों लोक में पूजे जाते हैं, ऐसे पार्श्वनाथ परमात्मा जिसके शायद पूरे भारतभर में सबसे ज्यादा मंदिर बने होंगे, ऐसे पार्श्वनाथ परमात्मा जिसके शायद हर एक मंदिर में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं प्रतिमा आपको दिखाई पड़ेगी, ऐसे पार्श्वनाथ परमात्मा जिसके शायद पूरे भारत भर में सबसे ज्यादा तीर्थ है, सबसे ज्यादा प्रभावशाली परमात्मा, सबसे ज्यादा नाम कर्म यश नाम किसी का हो, ऐसे परमात्मा यदि कोई है तो वो कौन से परमात्मा है? पार्श्वनाथ परमात्मा। तेईसवें तीर्थंकर अश्वसेन और वामा के दुलारे ऐसे पार्श्वनाथ परमात्मा का आज निर्वाण कल्याण। एक बात समझ लेना, ये पार्श्वनाथ परमात्मा गजब के परमात्मा है। इनकी आराधना जिस जिसने करी, इनकी साधना जिस जिसने करी, इनकी भक्ति जिस जिसने करी, उसका बेड़ा पार हो गया है, ये समझ लेना। ऐसे पार्श्वनाथ परमात्मा है जिनके नाम स्मरण मात्र से हमारे काम पूरे हो जाते हैं, ऐसे पार्श्वनाथ परमात्मा गुरु प्रेम के विशेष आराधक देव। चाहे गुरुदेव भक्ति सुरेश्वर जी महाराज साहब हो, उन्होंने कहा कि मुझे जीवन की अंतिम सांस प्रभु पार्श्व के सानिध्य में लेनी है, प्रभु पार्श्व का सानिध्य मुझे चाहिए, इसलिए संखेश्वर महातीर्थ में भक्ति सुरेश्वर जी महाराज साहब का काल धर्म हुआ। और गुरु प्रेम के जीवन में भी देखा जाए तो सबसे अधिक आराधना यदि कोई परमात्मा की है, सबसे अधिक साधना यदि कोई परमात्मा की गुरुदेव ने करी तो वो संखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा की करी। और वही परंपरा में आज गुरुदेव के जितने भी शिष्य है, चाहे गुरुदेव है चाहे कोई भी है, हर एक के मन में हर एक के हृदय में एक ही नाम घूमता है, एक ही नाम गूंजता है, संखेश्वरा पार्श्वनाथ परमात्मा। पार्श्वनाथ चाहे कोई भी हो, संखेश्वर हो, गोड़ी जी हो, चिंतामणि हो, जिरावला हो, नाकोड़ा हो, नवखंडा हो, चमत्कारी हो, कोई भी हो, लेकिन पार्श्वनाथ परमात्मा के नाम स्मरण में इतनी ताकत है, पार्श्वनाथ परमात्मा के नाम मात्र में इतनी ताकत है, उनका नाम मात्र हमारे जीवन को बदल सकता है। कई लोग गुरुदेव के पास आते थे, गुरु प्रेम के पास आते थे, कहते थे गुरुदेव कोई चमत्कारी मंत्र दे दो, और गुरुदेव तब जाके इतना ही कहते थे कि भाई मेरा इतना दीक्षा पर्याय, मेरी इतनी आराधना साधना, मेरे जीवन में मैंने जो कुछ भी समझा है उससे निश्चित तौर पर मैं ये समझ सका हूं कि पार्श्वनाथ परमात्मा के नाम स्मरण से बड़ा कोई मंत्र जीवन में नहीं। आप जीवन में जो प्राप्त करना चाहो, जो पाना चाहो, आप जीवन में जो हासिल करना चाहो, हर एक चीज मात्र पार्श्वनाथ परमात्मा के नाम मात्र से हासिल हो सकती है। और इसीलिए कहा गुरु प्रेम कहते थे कि समझ लेना, ये पार्श्वनाथ परमात्मा का जो नाम है उसमें तीन वर्ड है, पारस पारस, समझ लेना ये पारस वर्ड समझ लेना, बड़े ताकतवान है, बड़े शक्ति संपन्न है। पारस मणि में तो शायद यह ताकत है जो लोहे को सोना बना दे, समझना, पारस मणि में शायद यह ताकत है कि लोहे को सोना बना दे, लेकिन ये पारस नाम में इतनी ताकत है जो आत्मा को परमात्मा बना दे। पारस मणि लोहे को सोना बना सकता है तो ये पारस का नाम, ये तीन शब्द इतने प्रभावशाली, इतने चमत्कारी, इतने जबरदस्त, ये तीन शब्द की ये ताकत है आत्मा को परमात्मा की सफर करा दे, आपको जीवन में जो प्राप्त करना हो वो हासिल करा दे, ये ताकत पारस के अंदर है। तीन वर्ड बड़े चमत्कारी है, पारस। पहला वर्ड कौन सा है? और पा हमें यह संदेश देता है, पा हमें यह बताता है, प हमें यह बताता है कि पारस में यह ताकतें, मात्र पारस के पा में यह ताकत है जो आपके पापों का नाश कर सकता है। पापों का नाश करे वो पारस। यशो विजय जी महाराज ने पार्श्वनाथ परमात्मा का स्तवन लिखा, तार मुझ तार मुझ तार त्रिभुवन धनी, और उसमें बड़ी गजब की पंक्ति लिखी, पार्श्व प्रभु भेटिया पाती क मेटिया। कहा कि हे परमात्मा तेरे भीतर इतनी गजब की ताकत है
के मात्र तेरे दरबार पे आते हैं, तेरी भक्ति करते हैं और पाती का मेटिया, पातिक यानी पाप, पाप हमारे खत्म हो जाते। हमारे यहां तक लिखा गया, कितना ही पापी, कितना ही क्रूर इंसान हो, कितना ही दुर्जन इंसान हो, कितना ही हृदय में गलत भाव लेकर के परमात्मा के शरण में आया हो, लेकिन सही भाव से यदि परमात्मा की भक्ति की जाए तो आपके जीवन भर के पाप खत्म हो सकते हैं। एक चीज समझ लेना, संसार में कभी भी पाप की ताकत हमेशा कम रही है और धर्म की ताकत हमेशा ज्यादा रही। हमारे यहां ऐसे ऐसे उदाहरण मौजूद है जहां भवो भव के पाप 1:48 मिनट में खत्म हो गए। ये पार्श्वनाथ परमात्मा की आराधना से भवो भव के कर्म तुरंत खत्म हो जाते हैं परमात्मा की आराधना से। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, पार्श्व प्रभु भेटिया पातिक मेटिया, पापों का नाश करने की ताकत यदि कोई शब्द में है तो ये पारस शब्द है। अरे दुनिया पारसवणी के पीछे भागती है, लेकिन गुरु प्रेम कहते थे कि छोड़ो पारसवणी को, वो तो शायद लोहे को सोना बना देगा, लेकिन ये आत्मा को परमात्मा बना दे, ऐसा चमत्कारी ये तीन शब्द है पारस, पापों का नाश कर दे। कहा कि हमारी जीवन में जितने तप त्याग, जितनी आराधना साधना, जितनी भक्ति, जितना क्रिया, जितना हम कुछ भी कर लेते हैं, हमारे केंद्र बिंदु में एक ही चीज होती है, पापों का नाश हो जाए। और हर एक चीज करने के बावजूद भी शायद हमारे कितने पाप खत्म हो पता नहीं, लेकिन पार्श्वनाथ परमात्मा की आराधना करते करते निश्चित तौर पर पाप खत्म हो जाते। पूरे भारत भर में जहां देखो वहां पार्श्वनाथ दिखाई पड़ता। जो स्टेट में आप चले जाओ, जो राज्य में आप चले जाओ, आप यदि गौर करोगे तो शायद सबसे बड़े 2-3 तीर्थों में नाम आता होगा तो पार्श्वनाथ परमात्मा के तीर्थ का नाम आता होगा। आज मध्य प्रदेश में भी बात करें तो सबसे बड़ा तीर्थ नागेश्वर, नागेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा। गुजरात की बात करें तो शत्रुंजय, शत्रुंजय के बाद में गिरनार, गिरनार के बाद में शंखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा। राजस्थान की बात करें तो जीरावाला पार्श्वनाथ परमात्मा। छत्तीसगढ़ की बात करें उवसगहरम पार्श्वनाथ परमात्मा। आप कहीं पर भी चले जाओ, झारखंड की बात करें सबसे बड़ा तीर्थ समेत शिखर कौन से परमात्मा, पार्श्वनाथ परमात्मा। आप पूरे भारत भर में, मैं आपको कहता हूं गारंटी के साथ, कोई भी स्टेट में चले जाओ, बड़े बड़े तीर्थों की जो गिनती की जाती होगी उसमें पार्श्वनाथ परमात्मा के तीर्थ सर्वाधिक होंगे, सबसे आगे होंगे। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं ये पारस शब्द बड़ा कमाल का है। पा इज इक्वल टू पापों का नाश करे, और पाप जब हमारे धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं तो जीवन पवित्र बन जाता। जीवन को यदि पवित्र बनाना है तो पापों का नाश करना होगा। ऋषि ने कहा पा की ये ताकत है जो पापों का नाश कर सके। दूसरा शब्द कौन सा है, र, र यह कहता है रोगों का नाश करे, पारस में ये ताकत है। जहां मेडिकल साइंस ये कह देता हो कि बचने की कोई संभावना नहीं, ऐसे ऐसे लोग हमने देखे हैं शंखेश्वर दादा के दरबार में, गुरु प्रेम के पास आते थे, गुरुदेव को कहते थे गुरुदेव ब्लड कैंसर, बचने की कोई संभावना नहीं, डॉक्टर ने कह दिया कि अब नहीं बच सकते, अब केस खत्म है, आप कुछ कीजिए। गुरुदेव कहते थे मैं तो क्या कर पाऊंगा, लेकिन ये शंखेश्वर दादा विराजमान है और शंखेश्वर दादा के प्रक्षाल में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, उनके प्रक्षाल के जल में इतनी ताकत है कि कैसे भी कैसे रोगों को वो खत्म कर सकता है। हमने ऐसे किस्से हमारे जीवन में देखे हैं, ब्लड कैंसर था खत्म हो गया मात्र परमात्मा के प्रक्षाल की ताकत। अरे हमारे यहां उदाहरण मौजूद है, श्री कृष्ण महाराजा, उनकी पूरी सेना वृद्ध जैसी हो गई, लड़ने के लिए सक्षम नहीं, लड़ नहीं सकती, अब करे तो करे क्या, गए परमात्मा नेमिनाथ के पास और नेमिनाथ परमात्मा को जाकर के कहा कि प्रभु क्या किया जाए, कुछ तो रास्ता बताओ, कुछ तो उपाय बताओ।
हम तो खत्म हो जाएंगे, हजारों लाखों की सेना है और सभी वृद्ध बने पड़े हैं, सभी लगता है कि लड़ न पाएंगे, किसी का हाथ उठ नहीं रहा है, ऐसे हालात हो गए। और तब 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ परमात्मा ने बताया कि कुछ नहीं करना, एक काम कर, देवलोक में प्रतिमा है पार्श्वनाथ परमात्मा की, वो प्रतिमा का पखसाल कर, उनका जल का छिड़काव यदि तू सभी के ऊपर करेगा तो सभी के सभी वापिस तंदुरुस्त हो जाए। मात्र जो प्रतिमा को स्पर्श करके पानी नीचे उतरता है वह पखसाल की इतनी ताकत हो सकती है, तो प्रतिमा की कितनी ताकत। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, समझ लेना, पार्श्वनाथ परमात्मा जब आज परमात्मा का निर्वाण कल्याणक है, तब हमें समझना चाहिए कि पार्श्वनाथ परमात्मा के भीतर कितनी ताकत रही हुई है। क्यों आज संसार में इतने सारे पार्श्वनाथ परमात्मा के धाम बने हुए हैं? क्योंकि ये तीन शब्द इतने ताकतवर है, ये तीन शब्दों के भीतर इतनी ताकत रही हुई है, हम सोच नहीं सकते। पा ये बताता है कि पापों का नाश इसकी आराधना से हो सकता है, र ये बताता है किसका नाश, रोगों का नाश इनकी आराधना से हो सकता है। पापों का नाश होगा तो जीवन पवित्र होगा, रोगों का नाश होगा तो शरीर पवित्र होगा। आज संसार में कई प्राणी पीड़ित हैं रोगों से, उनके जीवन में चमत्कार कर सके ऐसी ताकत ये पारस नाम, यदि उनकी आराधना लगातार करते रहे, यदि उनका मंत्र जाप लगातार करते रहे, यदि उनके भीतर हम डूबने की कोशिश करें, उनके साथ जुड़ने की कोशिश करें, तो ये तीन शब्द में ऐसी ताकत है जो हमारे जीवन को परिवर्तित करके रख दे, हमारे जीवन को बदल दे। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, जहां डॉक्टर ये कह दे कि अब हमारे पास कोई इलाज नहीं है, वहां गुरु के आशीर्वाद लेकर के प्रभु पार्श्व के चरणों में चले जाना, जीवन का बेड़ा पार। आपको शायद पता ना, जीरावला पार्श्वनाथ परमात्मा की यह ताकत है, संसार में बड़े से बड़े विघ्न आते हुए वो अटका सकते हैं। उनके अधिष्ठायक देव इतने जागृत है, परमात्मा तो मोक्ष में पधारे लेकिन अधिष्ठायक देव इतने जागृत है हर एक जगह पर, भारत भर में क्या, विश्व में, दुनिया में कहीं पर भी प्रतिष्ठा होती है तो पीछे मंत्र लिखा जाता है, ओम रिम श्रीम जिरावली पार्श्वनाथ रक्षाम कुरु कुरुस्वा। कोई भी तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिष्ठा हो, आदिनाथ की हो, शांतिनाथ की हो, नेमिनाथ की हो, मुनीश्वर स्वामी की हो, महावीर स्वामी की हो, 24 तीर्थंकर परमात्मा में से कोई भी तीर्थंकर परमात्मा की प्रतिष्ठा हो, अंजन सला का हो, लेकिन मंत्र किसका लिखा जाता है, जिरावला पार्श्वनाथ परमात्मा का लिखा जाता है, ये उनके नाम की ताकत। प्रतिष्ठा महावीर स्वामी की हो रही है लेकिन पीछे दीवार पर गुरु भगवान मंत्र ये लिखेंगे, ओम नेम श्रीम जिरावली पार्श्वनाथ रक्षाम कुरु कुरुस्व। ये ताकत पारस नाम की है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको भक्ति नहीं आती, आपको स्तवना नहीं आती, आपको चैत्य वंदन नहीं आता, आपको और कुछ नहीं आता, मात्र ये तीन शब्द हमेशा रटन करते रहो, स्मरण करते रहो, देखो आपके जीवन में चमत्कार घटित होगा। सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते हर एक समय हमें एक ही नाम याद आना चाहिए, पारस 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 पारस। यदि ये नाम हमारे जहन में बैठ गया, सुबह शाम यदि हम ये नाम ले लेते हैं, सोते उठते बैठते जागते हमें यदि ये नाम का स्मरण अपने आप हो जाता है, तो समझ लेना हमारा जीवन पापों से मुक्त हो जाएगा, जीवन पवित्र बन जाएगा, रोगों से मुक्त हो जाएगा, शरीर पवित्र बन जाएगा। और तीसरा वर्ड कौन सा है, पारस का पा ये बताता है कि पापों का नाश करने की ताकत पारसनाथ की आराधना। पारस का र ये बताता है कि रोगों का नाश करने की ताकत पार्श्वनाथ परमात्मा की आराधना में है। और तीसरा वर्ड है स, पारस का स ये बताता है कि संशयों का नाश करने की ताकत पार्श्वनाथ परमात्मा की आराधना। आज आदमी दुखी क्यों है, क्योंकि वो संशय में, माइंड क्लियर नहीं,
कहां जाए, क्या करे, क्या करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, उसमें हमेशा वो संशय में रहता है। आदमी आज का बड़ा कंफ्यूज है और इसीलिए धर्म के क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। क्या करे, क्या ना करे, किस तरह से करे, कैसे करे, संसार के पीछे भागे, आत्मा के पीछे भागे, संसार को संभाले, शरीर को संभाले, धर्म को संभाले, तप करे न करे, त्याग करे न करे, करे तो कैसे करे, हर एक व्यक्ति के मन में कंफ्यूजन है। लेकिन एक चीज समझ लेना, पार्श्वनाथ परमात्मा की आराधना यह आराधना है जो आपके जीवन के संशयों को समाप्त कर सके। केवल ज्ञान तो शायद प्राप्त हो, ऐसी हमारी ताकत। आज ऐसा समय नहीं है कि हम केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर ले, लेकिन निश्चित तौर पर यह समय जरूर है हमारे सारे संशय मिट जाए, हम और सुख रूप धर्म की आराधना कर सके। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ये तीन शब्द में बड़ी गजब की ताकत है। यदि भाव से परमात्मा की आराधना साधना की जाए, भाव से परमात्मा के साथ जुड़ा जाए, भाव से परमात्मा को अपना माना जाए, और इसीलिए यशो विजय जी महाराज ने संखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा के स्तवन में लिखा, अब मोहे ऐसी आय बनी, श्री संखेश्वर पार्श्व जिनेश्वर मेरे तू एक धनी। कहा के संसार में आज तक बहुत लोगों को मालिक बनाया, संसार में आज तक बहुत लोगों को सर माथे पर बिठाया, बहुत लोगों की चाकरी करी, बहुत लोगों के चरण पकड़ लिए, लेकिन परमात्मा कोई ठिकाना नहीं पड़ा। मैं आज से ये संकल्प करता हूं, श्री संखेश्वर पार्श्व जिनेश्वर मेरे तू एक धनी। और जब ये भाव आपके भीतर आएगा, भावना में ये ताकत है जो चमत्कार कर सकती है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर समझ लेना, ये संखेश्वर पार्श्वनाथ परमात्मा हो, चिंतामणि पार्श्वनाथ परमात्मा हो, जीरावला पार्श्वनाथ परमात्मा हो, चाहे संसार के कोई भी पार्श्वनाथ परमात्मा हो, लेकिन पारस शब्द में इतनी गजब की ताकत है। पा यह बताता है हमारे पापों का नाश हो सके, इतनी ताकत इनकी आराधना में है। र ये बताता है रोगों का नाश हो सके, इतनी ताकत इनकी आराधना में है। और स ये बताता है कि संशयों का नाश हो सके, इतनी ताकत इनकी आराधना में है। और जब पापों का नाश होगा तो जीवन पवित्र होगा, जब रोगों का नाश होगा तो शरीर पवित्र होगा, और जब संशयों का नाश होगा तो मन पवित्र होगा। हमारे तन मन और जीवन को पवित्र कर सके, ऐसी ताकत ये पार्श्वनाथ परमात्मा में है। और ऐसे पार्श्वनाथ परमात्मा का जब आज निर्वाण कल्याणक का दिवस है, तब दो हाथ जोड़कर भावपूर्वक परमात्मा के चरण में वंदना करते हैं कि परमात्मा तूने तो अपने को तार दिया, अपना जीवन सुधार लिया, लेकिन हमें भी ऐसे आशीष प्रदान करना कि हम भी हमारे जीवन में कुछ कर पाए। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।